ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम DHA फेज 1 में सईदुल्ला नियाजी की रिहाइश गाह पर ख्वाजा साद रफीक की कॉर्नर मीटिंग। लीगी रहनुमा का कहना था कि ऐवानों से अभी तक कोई खैर की खबर नहीं आई, हर चीज महंगी करते जा रहे हैं। PTI की हुकूमत दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई की वजह बन गई है। जो रोमांस होता है हुकूमतों का, उसका आधा नस्ल गुजर गया है। अभी तक खैर की कोई खबर हुकूमत के ऐवानों से नहीं आई, सिवाय इसके कि बिजली महंगी हो चुकी है, गैस महंगी हो चुकी है, चीनी और आटा महंगे हो चुके हैं। ख्वाजा साद रफीक बोले के जब चाहें हुकूमत गिरा सकते हैं। इमरान खान ने इस हलके से सबसे गए गुजरे आदमियों को उनके मुकाबले खड़ा करके उन पर मेहरबानी की है। ना हम इमरान खान साहब के मैंडेट को तस्लीम करते हैं, मगर हमने वो नहीं किया जो इमरान खान साहब का हक बनता था कि उनके साथ सलूक किया जाए, और वो ये बनता था कि धरना दिया जाए, और ऐसा धरना दिया जाए कि दिन में तारे याद आ जाए। ख्वाजा साद रफीक का मजीद कहना था कि जिन्होंने PTI को वोट दिए उनकी सोच बदलते देख रहा हूँ। कैमरामैन फैज़ नूर के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़।